जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BEG सेंटर रुड़की का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, और इसका पार्ट वन यानी कि जनरल नॉलेज का हम 15 क्वेश्चन जो है वो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों सेक्शन बी, जिसमें हम 16 से 30 सामान्य विज्ञान के जो है वो क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आज की वीडियो का, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज, ठीक है। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली में क्या होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, या फिर गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों बंदूक से छोड़ी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, वल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, ठीक है। तो वल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों वल्केनाइज्ड रबड़ का जो आविष्कार किया गया था वो किया गया था दोस्तों चार्ल्स गुडियर के द्वारा। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चाय का वनस्पतिक नाम है, द बॉटनिकल नेम ऑफ टी इज, ठीक है। तो चाय का जो दोस्तों वनस्पतिक नाम है वो है आपका कैमेलिया सिनेंसिस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कैमेलिया सिनेंसिस, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारी 500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्योंकि दोस्तों आपके चाहे आप क्लर्क, GD, टेक्निकल ट्रेडमैन या फिर नर्सिंग असिस्टेंट, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन 500 क्वेश्चन में से आपके GK और जो साइंस के और जो आपके क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन में करीब आपके 20 से 25 नंबर आने की जरूर है। मतलब 20 से 25 क्वेश्चन उन्हीं 500 क्वेश्चन में से आएंगे, तो उनको आपको जरूर देखना है, पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19, डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का प्रयोग किसके इलाज में किया जाता है। तो दोस्तों डायलिसिस का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों गुर्दे की निर्बलता यानी कि किडनी फेलियर में, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, अस्थाई निकायों के नियमों को डैश द्वारा खोजा गया था, द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वाज डिस्कवर्ड बाय। तो दोस्तों अस्थाई निकायों के नियमों को किसके द्वारा खोजा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आर्किमिडीज, ठीक है। किसके द्वारा खोजा गया था, आर्किमिडीज के द्वारा। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, निम्न तत्वों में से ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ये जो आपके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से ध्वनि जो है वो सबसे तेज किस में चलती है, तो दोस्तों ध्वनि जो है वो सबसे तेज चलती है सॉलिड यानी कि ठोस में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दोस्तों एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं अपनी ड्यूटी से टाइम निकालकर, तो आपका भी फर्ज बनता है कि मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं उसको आप अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर जरूर करें। क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने आजकल वीडियो डालना बहुत कम कर दिया है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो सभी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे अच्छे पेपर्स की और क्वेश्चन लेकर आता रहूँ, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन होगा, 21 हम करा चुके हैं आपके लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोर रूप है, द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज। तो दोस्तों कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है वो है आपका हीरा यानी कि डायमंड। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23, डक्टाइलोग्राफी का अध्ययन है, ठीक है। डक्टाइलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ, तो दोस्तों डक्टाइलोग्राफी जो स्टडी है वो किसके स्टडी है, तो ये होती है दोस्तों फिंगरप्रिंट की। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लेंस डैश से बनता है। तो लेंस जो है वो किससे बनता है, लेंस इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा आपका वो है आपका फ्लिंट ग्लास, ठीक है। तो लेंस किससे बनता है, फ्लिंट ग्लास से। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर एच। तो दोस्तों खारे पानी की जो सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण है उसका नाम है दोस्तों सेलिनोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों हमारा, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को कहते हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं दोस्तों क्लोरोफिल। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों हमारा, इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डैश परिवर्तित करता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर जो है वो करंट को किससे किसमें परिवर्तित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का दोस्तों सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, डीसी इनटू एसी, यानी कि डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में जो है वो इन्वर्टर परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29 और 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, द कॉमन नेम फॉर पोटेशियम कार्बोनेट इज। तो पोटेशियम कार्बोनेट का दोस्तों जो कॉमन यानी कि सामान्य नाम है वो है पोटाश। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं आज के अगले और आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ए टेम्परेचर ऑफ 295 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली, 295 केल्विन का तापमान डैश के लगभग बराबर होता है। तो दोस्तों 295 केल्विन का तापमान जो है वो 71.33 डिग्री फॉरेनहाइट के जो है वो बराबर होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों, सॉरी आज की वीडियो में यही दोस्तों 15 क्वेश्चन थे जो हमने आपको बीईजी सेंटर यानी कि बंगाल इंजीनियर एंड ग्रुप का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था 16000 जीडी का, उसको हल कराया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए दोस्तों वो 500 क्वेश्चन वाली सीरीज के लिए जरूर देख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक बार अगर आप देख लेंगे एक वीडियो भी तो आप पूरी की पूरी उसकी वीडियो जरूर देखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।